शिकस्त दी है भैया, करारी शिकस्त दी है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पहले बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए थे, लेकिन मुंबई इंडियंस ने जब तुड़ाई करनी शुरू करी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की बॉलिंग की, तो सिर्फ 16वें ओवर में 15 ओवर 3 बॉलों में सिर्फ 3 विकेट खोकर ये इस लक्ष्य को हासिल कर लिया। और बहुत पाकिस्तानी फैन थे जिनका एक रिएक्शन बड़ा वायरल हो, नहीं मजाक हो रहा है, ये मजाक हो रहा है, क्या हो रहा है ये भाई साहब, इतना बड़ा स्कोर था, आप ये लेके चलो कि जब 197 का टारगेट मिलता है थोड़ी तो टांगे कांपती होंगी, बिल्कुल थोड़ा तो ये लगता होगा कि यार इतना बड़ा है ये टारगेट जो है हम थोड़ा थोड़ा करके चेस करेंगे। और इतने ओवर के अंदर इसी चीज पे मैं कुछ लिख कर लाया हूं कि भाई अर्ज किया है कि आरसीबी ने जब बनाए 196 रन तो उनको लगा के रन बना लिए हैं काफी ज्यादा। वाह वाह वाह, आरसीबी ने जब बनाए 196 रन तो उनको लगा रन बना लिए हैं काफी ज्यादा। ईशान किशन ने तोड़ा, सूर्य कुमार यादव ने फोड़ा और मार मार के कर दिया आरसीबी को आधा। मैं कह रहा हूं आधा क्या कर दिया है, 15.5 ओवर के अंदर ये टारगेट अचीव कर रहे हैं। अगर वहां पे एक तरफ अगर आप मुंबई की तरफ देखते हैं, वहां पे बॉलिंग कर रहे थे जसप्रीत बुमराह, ऐसी बेल्टर पिच के ऊपर वो 5 विकेट निकाल लेते हैं, लेकिन आप देखिए मुंबई की बैटिंग, क्योंकि इन्होंने जो करा है ये शायद ही कोई और कर पाता। बिल्कुल, आप शुरुआत कीजिएगा पूर्व कप्तान रोहित शर्मा जी से, क्योंकि दिख रहे थे टीम इंडिया के कप्तान, मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान, और रोहित शर्मा और ईशान किशन के बीच हुई जबरदस्त साझेदारी। रोहित शर्मा ने 38 रन बनाए 24 बॉलों में, लेकिन ईशान किशन ने सूत के रख दिया, 69 रन बनाए इन्होंने 34 बॉलों में, 7 चौके 5 छक्के, 202.94 का स्ट्राइक रेट। और ईशान किशन, वैसे इनके पास कॉन्ट्रैक्ट नहीं है लेकिन काफी कॉन्ट्रैक्ट किलर की तरीके से ये काम कर रहे हैं। 100 रन से ऊपर की पार्टनरशिप इन्होंने लगा दी थी 53 बॉलों के अंदर, और ये जो पार्टनरशिप थी यहीं पर कमर टूट चुकी थी आरसीबी की बॉलिंग की। और आप कह रहे हैं कि इन्होंने आधा कर दिया, पौना कर दिया, एक बार पूछ तो लो इनसे आरसीबी वालों से कि ये इनका करा क्या है, शायद ये खुद भी अभी शॉक में होंगे। अगर आप इनसे अभी इस टाइम पे आरसीबी के फैन से पूछो या आरसीबी की टीम से पूछो कि आपके साथ हुआ क्या है, मैं सच बता रहा हूं वो बता नहीं पाएंगे, वो एकदम निःशब्द हो जाएंगे, उनके मुंह के ऊपर ऐसे जो है बिल्कुल दही जम जाएगा, उनको समझ में नहीं आएगा ये हुआ क्या है। और मुझे लगता है कि आरसीबी का जो किला है, आरसीबी की जो बैटिंग है बॉलिंग है उसको फूक दिया है, और इंस्टाग्राम की भाषा में शिक्षक शूक दिया है। अरे अरे बिल्कुल, लेकिन सारे के सारे बैट्समैन जो है मुंबई के बड़े कमाल कर रहे थे यहाँ पे। आपने देखा ईशान किशन का और रोहित शर्मा का बैटिंग कार्ड, आपको दिखाते हैं आगे और भी बैटर्स जो हैं। लेकिन सूर्य कुमार यादव की भी बात करनी पड़ेगी। सूर्य कुमार यादव वापसी कर रहे थे इंजरी के बाद, पिछले मैच में 0 रन बनाकर आउट हुए। पिछले मैच के बाद सब सूर्य कुमार यादव को शून्य कुमार यादव दोबारा से कहने लग गए थे, लेकिन उन्होंने कहा एक मिनट बेटा तुम्हें नहीं पता, मैं बताता हूँ कि स्काई किस चीज का नाम है। और आज 19 बॉलों में 52 रन, 5 चौके 4 गगनचुंबी छक्के, 273.68 का स्ट्राइक रेट, और सिर्फ 17 बॉलों में 50 मारकर सूर्य कुमार यादव ने बता दिया है कि भाई उनको सूर्य भाऊ क्यों कहा जाता है। भाई सारे के सारे आज मुंबई के फैंस जो थे उनके लिए तो क्या बढ़िया शो चल रहा था, पैसा वसूल, जो लोग पास लेकर फ्री के आए थे उनके लिए भी पैसा वसूल था, ये बिल्कुल तरीके की परफॉर्मेंस हुई है। और बाकी बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं बीच में आरसीबी के फैंस अभी भी अंदर से इनके चुपक चुपक हो रही है, हाँ। वो कह रहे हैं कि भाई डीके भाई ने भी तो कुछ किया था, नहीं, लेकिन आज दिन नहीं है उनके बारे में ज्यादा बात करने का, आज मुंबई ने जो किया है मुंबई के बारे में ज्यादा बात होनी चाहिए। और आरसीबी जैसा मैंने पहले भी कहा, आरसीबी जो इनको कहते हैं एवे नहीं कहते हैं, आज इनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ऐसी थी। मैच शुरू होने से पहले पिच रिपोर्ट जब आई थी तभी बोल दिया गया था कि आज बेल्टर होने वाला है, बैटिंग के लिए बेहतरीन पिच है, जो भी आएगा यहां पर रन बनाकर जाएगा। लेकिन विराट कोहली ने कहा, आरसीबी ने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, चैलेंज एक्सेप्टेड। और विराट कोहली ने भी कहा कि ये बेल्टर पिच है, यहां पर रन बनाना आसान है तो मैं यहां रन मार के क्या करूंगा। और विराट कोहली बहुत जल्दी आउट हो गए, लेकिन आज हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त वापसी करी, और जबरदस्त वापसी सिर्फ 6 बॉलों में 21 रन की नहीं, इन 3 बेहतरीन छक्कों की ही नहीं, इन 350 के स्ट्राइक रेट की ही नहीं, बल्कि जबरदस्त वापसी हुई आज स्टैंड्स में भी, क्योंकि लोगों ने अपने दिलों में हार्दिक पांड्या को सम्मान दिया। आज हार्दिक पांड्या के नाम के नारे लगे, आज उनको बू नहीं किया गया। विराट कोहली ने भी एक बड़ा स्वीट जेस्चर दिया, कहा कि क्राउड को कि यार ये टीम इंडिया का चैंपियन बैट्समैन है, ये टीम इंडिया का चैंपियन खिलाड़ी है, T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो इसकी फिटनेस, इसकी कमर हमें चाहिए। और उनसे तो
पूछ लो एक बारी कि उनकी कमर अवेलेबल भी है कि नहीं है। उनकी कमर अवेलेबल है और मुझे लगता है कि यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने इस आईपीएल में अभी तक तो बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे थे, कप्तानी में भी ऑफ कलर लग रहे थे, बॉलिंग में भी आज ऑफ कलर ही दिखे थे, चौके छक्के ये खा रहे थे, लेकिन आज जिस तरीके से वो बैटिंग करने आए और जिस तरीके से पहली बॉल पर उन्होंने छक्का मारा और अपनी इंटेंशन क्लियर कर दिए। इनफैक्ट जितने भी सारे लोग आ रहे थे, जितने भी बैट्समैन आ रहे थे मुंबई के, सब अपनी इंटेंशन क्लियर कर रहे थे। पहली बॉल पर छक्का मारने की इंटेंशन साफ थी कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ऐसी की तैसी मारनी है, और उन्होंने मार दी। उन्होंने कहा था देखिए आरसीबी को हम टीम ही नहीं समझते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल उसी तरीके से वहां पे खेल रहे थे, कह रहे कि हमें आप मैदानों में ले जाओ, वहां पे जब बच्चों की टीम और एक मुंबई की टीम खड़ी होगी आप कैसे मारेंगे बच्चों की टीमों को, ऐसे मारेंगे जैसे आरसीबी को मारा है। छह मैचों में आरसीबी की ये पांचवी हार है और आरसीबी किस तरीके से मैच को हारती है इस बात पर एक अपने आप एक केस स्टडी बनती है, क्योंकि आज जब पहले बैटिंग कर रहे थे और उन्होंने बैटिंग करते हुए 196 रन बनाए तो ऐसा सा लगा कि शायद मुंबई के इस मैदान पर जहां पर रन बनते हैं वहां पर एक फाइटिंग टोटल दे दिया है, लेकिन जिस तरीके से मुंबई के जो बैट्समैन हैं वो इन पर टूट कर पड़े, भाई साहब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु तुमसे ना हो पाएगा भाई। लेकिन आरसीबी की तरफ से ये लोग ये भी तो कह रहे हैं ना कि ड्यू आ गई थी वहां पर, सेकंड जब वो बॉलिंग कर रहे थे तब उस टाइम पे बॉलर्स को डिसएडवांटेज था, यार इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऑल्दो हमारे पास कमेंट्स आने लगे हैं, काफी सारे कमेंट्स भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन हम पहले आपको बताना चाहते हैं कि आरसीबी ने जब आज बैटिंग की शुरुआत करी तो जो विराट कोहली है वो बिल्कुल नहीं चले, जसप्रीत बुमराह ने वो पहला विकेट लिया और उसके बाद जबरदस्त बॉलिंग करते हुए आज जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मतलब वो वाली जो मुंबई की वो वाली पिच जहां पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगभग 200 रन मारे, लेकिन वहां पर बुमराह ने 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट लिए। बुमराह ने तो यार आप इनका एक बार बॉलिंग कार्ड देखिए, 4 ओवर के अंदर